अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई टिक्का। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे एक कटोरी फ्रेश क्रीम ली हूँ मैंने, एक कटोरी दही, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैंने कुछ खड़े मसाले यूज़ किए इसमें, 3 लौंग, कस्तूरी मेथी, 4 काली मिरी, 1 खुशबू का फूल, 1/4 जीरा, 2 दालचीनी, 2 छोटी इलायची, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, हरी मिर्च 7 से 8, हरी धनिया, बादाम 7 से 8 और चिकन। आइए देखते हैं अब हमें आगे का प्रोसेस क्या करना है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले ये सब तमाम चीज़ों को पीस लेंगे मिक्सी में डाल के। काजू, हरी धनिया, हरी मिर्ची को इसको अच्छे से ग्राइंड करके लेना है हमें। जिस तरीके से हमें पानी की नीड है उस तरीके से पानी ऐड करके इसे ग्राइंड करना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है अच्छी तरीके से। और उस पेस्ट को हम मैरिनेट करेंगे चिकन में। देखिए पेस्ट रेडी हो चुका है, हम इसे चिकन में ऐड कर देंगे। और फिर अभी इसके साथ हम जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है हमें। उसके बाद में थोड़ा सी चाट मसाला ऐड करना है, देखिए। फिर हम इसके बाद ऐड कर देंगे अब चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से कीजिएगा। नमक स्वादानुसार ऐड कर देंगे हम इसमें। फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे हमारे बैटर को। ऐसी यूनिक रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसकी वजह से सारे फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। और फिर इसको 1 घंटे के लिए स्टोर करके रखना है। अब इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखना है। आप फ्रिज में भी मैरिनेट कर सकते हो स्टोर करके, और अदरवाइज बाहर भी रख के स्टोर कर सकते हो, जिससे सारा हमारा चिकन और मसाले मैरिनेट हो जाए। देखिए सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तमाम चीज़ें मैरिनेट हो चुकी है चिकन के साथ। अब हमें इसे पकाना है। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ली हूँ, इसे एक कढ़ाई में ऐड कर दी हूँ ऑयल को, और अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। देखिए ऑयल हमारा हो चुका है गर्म। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, सारा चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है, हमें चिकन को ऑयल में ही पकाना है, जिसकी वजह से हमारा जो टिक्का है मलाई टिक्का, चिकन मलाई टिक्का एकदम बेस्ट बने। अगर आप इसमें पानी ऐड कर देंगे तो इसमें ग्रेवी फॉर्म में हो जाएगा ये, तो हमें थिक फॉर्म में चाहिए ना कि ग्रेवी चाहिए। तो इसलिए हम इसको एक बार टॉस करके, एक बार सॉटे करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने एक बार इसको सॉटे कर लिया था, देखिए कलर, और अगेन मैं इसको सॉटे करके फ्राई करूंगी। और उसके बाद में हम ऐड कर देंगे हमारे खड़े मसाले। खड़े मसालों को भी हमें 3 से 4 मिनट पकाना है तेल में सॉटे करते हुए, फिर उसे ढक देना है और दम पे होने देना है 3 से 4 मिनट। देखिए हमारे मसालों की खुशबू आ रही है माशाल्लाह चिकन से। और इसके बाद में हम ऐड कर देंगे दही, जो हमने 1 कटोरी दही यूज़ करने के लिए लिए थे, और हमें इसे अच्छे से सॉटे कर देना है। देखिए सारा मिक्स हो चुका है दही इसमें। इसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम, ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, इसे हमें अच्छी तरीके से इसमें सॉटे कर लेना है और मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने इसमें पानी ज़रा भी ऐड नहीं की हूँ, फिर भी माशाल्लाह हमारे चिकन का पूरा जो पानी है वो ग्रेवी फॉर्म में आ गया है इसमें। अब सूखे गरम मसाले ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर और गरम मसाला हम ऐड कर रहे हैं इसमें, चिली फ्लेक्स भी थोड़ी हम ऐड कर देंगे जिससे हमारा फ्लेवर एकदम अच्छा आ जाए। और उसके बाद में इसको सॉटे कर लेंगे, और थोड़ा सी चाट मसाला भी यूज़ किया था मैंने। देखिए गरम मसाला मैं अगेन 1 टीस्पून ले रही हूँ,
बिकॉज मुझे उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लगी, तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सी ऐड कर दीजिएगा, वरना अदरवाइज उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इसमें रेड चिली ऐड करना चाहते तो आप इसमें रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं, बट इसका कलर जो है हमें रेड फॉर्म में आएगा, बट हमें वाइटिश फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। इसलिए हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दिए ताकि ये अच्छे से, देखिए थोड़ा सी ढककर पकाने के बाद हमारा रेडी हो चुका है चिकन मलाई टिक्का। मैंने इसे हरी धनिया से गार्निशिंग कर दी हूँ। रेडी हो चुका है चिकन मलाई टिक्का, आइए इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। फाइनली रेडी हो चुका है हमारा चिकन मलाई टिक्का। इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।